वेलकम बैक टू बबीना यूट्यूबर चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? मैं तो ठीक हूँ। देखिए आज का जो रेसिपी है ये है उबला हुआ एग का फ्राई, एग फ्राई। अंडा फ्राई कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगी। तो ये दिखा रही हूँ मैं, एग ऑलरेडी उबाल चुकी हूँ और प्याज कट करके रख दी हूँ। इसमें मसाला, नमक, तेल है और कड़ी पत्ता है और गैस ऑन करके मैं कढ़ाई भी चढ़ा चुकी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी बनाए होंगे बहुत बार, लेकिन मैं जो आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे सिंपल एग फ्राई बनाएंगे वो इसीलिए मैं शेयर की हूँ। देखिए मैंने इसमें सरसों का तेल ली हूँ, दो चम्मच से भी ज़्यादा है थोड़ा, और कढ़ाई ऑन कर दी हूँ। और एग को पहले ही उबाल के आप रख दिए होंगे तो ठंडा हो गया होगा, तो उसको उसका छिलका छिला के रख देंगे। और ऑनियन थोड़ा ज़्यादा कट करके लेना है, ऑनियन जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छे से एग फ्राई अच्छा लगता है। तो देखिए जीरा एंड हरी मिर्च पहले डाल दी मैंने, उसके बाद ऑनियन एक बड़ा वाला कट की थी, छोटे छोटे साइज से आपको कट करना है और उसको हमको अच्छे तरह से फ्राई करना है। मुझे तो ये एग फ्राई बहुत अच्छा लगता है, मतलब नॉर्मल भुजिया जो बनाते हैं ना वो कच्चा अंडे से बनाते हैं, उससे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। और ये एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आप ऑनियन फ्राई कर रहे हो उसमें थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा चुटकी भर की हल्दी दे देने से क्या होता है उसका कलर अच्छा आ जाता है, और नमक देने से जल्दी से प्याज ग्रीन मतलब येलो कलर का हो जाता है, फ्राई हो जाता है इसीलिए। हमको ऑनियन को थोड़ा रेड कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है। और ऑयल ज़्यादा थोड़ा लेने से क्या होता है कि हमारा एग चिपकता नहीं है। और ये एक से डेढ़ चम्मच का होगा अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट था, उसमें सूखी मिर्ची भी मैं ग्राइंड कर देती थी, तो वो वाला पेस्ट जो मैं घर में बनाती हूँ वो थोड़ा सा, एंड एक टमाटर दे दिए हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है, टमाटर को जैसे भी हो हमको पक जाना, पकने के लिए छोड़ देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट देने से ना इसका खुशबू और टेस्ट में अच्छा रहता है, क्योंकि अगर नॉर्मल हम पाउडर दे दे के अगर बनाएंगे भी तो अच्छा लगेगा, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट देने से उसका स्वाद दुगनी बन जाती है, अच्छा लगता है बहुत। और देखिए ये मैंने धनिया एंड जीरा का पाउडर दे दी एंड लाल मिर्च पाउडर दे दी एंड हल्दी थोड़ा सा दे दिए। अभी इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जैसे मसाला अच्छी तरह भून जाए, एंड नमक आप स्वाद अनुसार लेना, अगर आप ज़्यादा अंडा कर रहे हैं तो ज़्यादा लेना, मतलब मैं तो कम, मेरे पास कम ही एक था, शायद मैं 3 या 4 बना रही हूँ। तो टमाटर को अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि आजकल का टमाटर जो है उबलता नहीं है कि अच्छी तरह पकता नहीं है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा छोड़ती हूँ ताकि वो जल्दी से बॉयल हो जाए। और गैस का आंच भी स्लो कर दी हूँ। अभी देखिए मैंने अंडे को पूरा दो दो पीस करके कट की हूँ, एक अंडे का 2 पीस और एक एग का 2 पीस ऐसे करके कट की हूँ, बड़े साइज का, हम छोटा छोटा नहीं करूँगे। और इसको इसी के मतलब मसाले के अंदर ही देना है। अभी इसको अच्छी तरह से थोड़ा भूंजने के लिए, अंडे का फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे।
और ऐसे ही बड़ा बड़ा पीस करके हमको फ्राई करना है। आज का जो मैं एग फ्राई बता रही हूँ बड़ा साइज़ का, मतलब इसको और छोटा छोटा कट कर देंगे तो क्या होता है उसका जो केसर होता है वो मिक्स हो जाता है मसाले में, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसीलिए। और देखिए मैं चार अंडा रखी थी, मैं भूल गई थी चार घी थी क्या थी, तो चार अंडे का मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए मेरे चार अंडे में मतलब जितना नमक मसाला चाहिए मैं उसी हिसाब से यूज की हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा एग बना रहे हो तो आप ज़्यादा लेना। अभी थोड़ा कढ़ाई को हम ढक कर देंगे, दो मिनट के लिए सिम कर देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है भी वो अच्छे से पक जाएगा एंड मसाले में एग भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स तो देखिए अब थोड़ा सा मैंने गरम मसाला यूज किया है इसमें, जब होने होने लगा है तब लास्ट में दे दी थोड़ा सा तो अच्छा होता है उसमें। और देखिए बड़ा साइज करती हूँ तो हमारा कढ़ाई में भी चिपक नहीं रहा है, एग अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। इसको बीच बीच में हमको ऐसे हाथ चलाने ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि चिपक जाएगा और काला काला हो जाएगा नीचे का चिपकने से, इसीलिए ये मैं बीच बीच में ये फ्राई कर रही हूँ। और जब तक थोड़ा हमारा एग लाल नहीं हो जाएगा दोनों तरफ से तो तब तक हमको निकालना नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैं लाल होने तक वेट कर रही हूँ। और देखिए अभी लाल भी हो गया है ऑलरेडी, ज़्यादा लाल करने से क्या होता है कि एग हार्ड हो जाते हैं। एंड अभी लास्ट में कड़ी पत्ता थोड़ा दे दी हूँ वो गार्निशिंग के लिए, एंड देखने में भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आता है इसीलिए। अभी देखिए हमारा एग फ्राई कैसा दिख रहा है, उसका फाइनल लुक देखिए, देखने में जितना सुंदर दिख रहा है ये वाकई टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा था। और देखिए ये बस हम 8 से 9 मिनट के अंदर बना दिए। अगर आपके पास एग ऑलरेडी उबला हुआ रखे हैं तो घर में बहुत ही जल्दी हम बना सकते हैं ये, और ये खाने में भी हेल्दी है एंड टेस्टी भी है, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगा मुझे उस दिन जिस दिन मैं ये बनाई थी। सिंपल सा है, घर में अगर कोई सब्जी नहीं है कुछ नहीं है तो अगर एग भी है तो आप अच्छे से एग से ये बना सकते हैं, बहुत जल्दी झटापट बना सकते हैं एंड हेल्दी खाना भी दे सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट में लाल बटन होता है सब्सक्राइब का एंड लाइक शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों को अगर कुछ नया रेसिपी चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए एंड फाइनल लुक देखिए एग का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसा है। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ फ्रेंड्स, डोंट गो आउटसाइड इन दिस पैंडमिक सिचुएशन, प्लीज स्टे होम एंड कुछ भी खाना बनाना हो तो घर से ही बना के आप खा सकते हैं, बाहर से कुछ मंगाइए भी मत।